वीर शिवाजी पार्ट टू। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज महान मराठा सम्राट जिन्होंने अकेले दम पर भारत में मौजूद मुगलों से टक्कर ली और कई बार युद्ध में उन्हें धूल भी चटाई। यद्यपि उनका नाम शिवाजी भोंसले था, लेकिन उनके पराक्रम की वजह से उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। पिछले भाग में हमने ये जाना कि किस तरह से शिवाजी ने अपना बचपन जिया और वो आगे बढ़ते गए और अंततः उनका किस तरह से राज तिलक हुआ। इस भाग में हम जानेंगे कि वो कौन सी घटनाएं थीं जो राज तिलक के बाद घटित हुई और उन्होंने शिवाजी को वीर शिवाजी बना दिया। शिवाजी के जीवन की पहली विजय सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्हें मिल गई थी, जब उन्होंने बीजापुर सल्तनत के कब्जे से तोरण के किले को मुक्त करवाया था। इसके बाद जब बीजापुर के सुल्तान ने अपने जनरल अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा था, प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने जिस तरह से बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान को बाघ नख से ही मौत के घाट उतार दिया था, उसने ही उन्हें सभी मराठा लोगों का हीरो बना दिया था। शिवाजी ने ये सारी लड़ाइयाँ अपनी सफल योजनाओं, तेजी और बेहतरीन प्रशासनिक कुशलता की वजह से ही जीती थी। शिवाजी के गुरु दादाजी कुंटदेव थे और उनसे ही उन्होंने प्रशासन के गुर सीखे थे। इसके अलावा अपने जीवन के कुछ सालों तक शिवाजी गुरु रामदास के प्रभाव में भी रहे, जिसके बाद से ही उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ता गया। शिवाजी अपने गुरुओं का बेहद आदर और सत्कार किया करते थे। वो ईश्वर से ज्यादा सम्मान अपने गुरुओं का करते थे। उनका मानना यही था कि एक मनुष्य को ईश्वर से उसके गुरु ही मिलवाते हैं। छत्रपति शिवाजी को सबसे ज्यादा मुगल सम्राट औरंगजेब से लोहा लेने के लिए जाना जाता है। उन्हें आज इतने वर्षों के बाद भी एक क्रांति के योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो एक शक्तिशाली सरकार के सामने अपनी जान की बाजी लेकर खड़ा हो गया था। दोस्तों, भले ही शिवाजी की बहादुरी से बौखलाए औरंगजेब ने छल से और युद्ध से उनके महल और किले हथियाने चाहे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूना और कोंकण के अधिकतर राज्यों पर विजय पाकर शिवाजी ने एक राजा के रूप में खुद को स्थापित करने का निर्णय लिया और भारत के दक्षिण के भाग, जिस पर सिर्फ अभी तक मुस्लिम शासकों का ही कब्जा था, उस पर सबसे पहले हिंदू राज्य की स्थापना का निर्णय लिया। 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक बड़े राजतिलक समारोह में शिवाजी को मराठों का राजा करार दिया गया। ये राजतिलक पंडित गागा भट्ट के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। इसी राजतिलक में शिवाजी ने अपने कई उपनाम जैसे छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंता और अहैंदव धर्मोद्धारक भी रखे। ये शिवाजी के कुशल प्रशासन का ही नतीजा था कि हिंदवी स्वराज नाम का एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य कैसे उत्तर पूर्व भारत से लेकर पूर्व तक एक बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया। एक राजा के तौर पर अक्सर शिवाजी को विश्व के महान शासकों जैसे नेपोलियन, जूलियस सीजर और गुस्ताव एडोल्फस इत्यादि के समकक्ष माना जाता है। 17वीं शताब्दी में भी उनके दरबार में आधुनिक प्रशासनिक नीतियां जैसे कि कैबिनेट, विदेश मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा और गुप्तचर भी मौजूद थे। इसके अलावा उनके पास अपनी एक प्रशिक्षित और योग्य सेना और नौसेना भी थी। हिंदू धर्म के प्रति अत्यंत आसक्त होने के बावजूद शिवाजी ने कभी किसी दूसरे धर्म के लिए घृणा नहीं दिखाई। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार दिए। शिवाजी स्वयं संस्कृत और मराठी भाषा में पारंगत थे और कला से गहरा लगाव रखते थे। राजा बनने के बाद हिंदू स्वाधीन राज्य के अंतर्गत मराठों ने दक्कन राज्यों से जंग छेड़ दी। उन्होंने खानदेश, बीजापुर, करवर, कोलकापुर, जंजीरा, रामनगर और बेलगाम जैसे कई इलाकों से जीत हासिल की। उन्होंने आदिलशाही हुकूमत के नियंत्रण वाले कुरनूल, वेल्लोर और जिंजी के किलों पर भी कब्जा कर लिया। मराठी सेना ने जल्द ही कोडलूर पर भी नियंत्रण कर लिया और इसके बाद शिवाजी ने अपने साम्राज्य का नाम स्वराज रखा। शिवाजी का स्वराज साम्राज्य उत्तर में पुरंदर के किले से लेकर दक्षिण में गंगावती नदी तक फैला हुआ था। शिवाजी ने पूना के कई हिस्सों जैसे सतारा, कोल्हापुर और आरकोट पर भी नियंत्रण पा लिया। ये सारे ही क्षेत्र उनके स्वराज साम्राज्य का हिस्सा थे। तंजोर और मैसूर की अपनी जागीर को लेकर शिवाजी ने अपने सौतेले भाई वैनकोजी से भी एक समझौता कर लिया। उनका मुख्य उद्देश्य
दक्कन के सभी राज्यों को जोड़कर उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के अधीन लाना और इसे बाहरी लोगों जैसे मुसलमानों और मुगलों से सुरक्षित रखना था। शिवाजी ने मराठा शासन की शुरुआत की, जिसकी सर्वोच्च और स्वतंत्र शासक छत्रपति शिवाजी महाराज खुद थे। उन्होंने अपनी नीतियों के ठीक से पालन और देखरेख के लिए अपने खास 8 मंत्रियों की एक मंडली नियुक्त की थी। ये सभी मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी थे और उन्हें नीतियों को ठीक से लागू करवाने के लिए काफी शक्तियां सौंपी गई थी। उनके ये 8 मंत्री थे पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, जो उनके प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति था और राजा की अनुपस्थिति में राज्य के लिए निर्णय लेने का अधिकारी था। मजूमदार यानी कि ऑडिटर, ये राज्य से जुड़े सभी फाइनेंस के कामों को देखता था। सेनापति मतलब सेना प्रमुख, ये सेना से जुड़े कार्य जैसे संगठन, सैनिकों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग करवाता था। किसी भी तरह के युद्ध के दौरान सेनापति ही राजा को युद्ध से जुड़े सभी सुझाव और सलाह देता था। न्यायाधीश यानी मुख्य जज, जो कि हर तरह के कानून का निर्माण करता था और नागरिक, न्यायिक और सैन्य इत्यादि क्षेत्रों में उन्हें लागू करवाता था। मंत्री राजा का सहयोगी होता था, जो उसे दैनिक जीवन से जुड़े सभी कार्यों और जरूरतों का ख्याल रखता था। सचिव यानी कि निरीक्षक, वो राजा, मंत्री और जनता के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता था। शिवाजी ने अपने दरबार में फारसी भाषा, जो कि उस समय प्रचलित थी, के बजाय मराठी और संस्कृत का प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने हिंदू साम्राज्य को दर्शाने के लिए अपने नियंत्रण वाले कई किलों के पुराने नाम बदलकर उन्हें संस्कृत भाषा में नए नाम दिए। भले ही शिवाजी स्वयं एक हिंदू थे, लेकिन अपने शासन में वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। उनके प्रशासन की सारी नीतियाँ हमेशा मानवतावादी होती थी और उन्होंने अपने शासन में स्त्रियों की स्वतंत्रता को भी काफी बढ़ावा दिया था। वो जाति आधारित भेदभाव के सख्त खिलाफ थे और अपने दरबार में उन्होंने विभिन्न जाति के व्यक्तियों को समान कार्य दिए थे। उन्होंने राज्य और किसानों के बीच से तीसरे व्यक्ति को हटाने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली का निर्माण किया और उन्होंने वस्तु निर्माणकर्ता और उत्पादक से सीधे टैक्स लेना शुरू किया। शिवाजी ने अपने समय में 2 महत्वपूर्ण टैक्स चौथ और सरदेशमुखी की शुरुआत की। उन्होंने अपने राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से हर एक हिस्से का एक प्रमुख मलदार नियुक्त किया गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होते थे और हर गांव के प्रमुख को देशपांडे कहा जाता था, जो उस गांव की ग्राम पंचायत का प्रमुख भी होता था। शिवाजी ने अपनी एक मजबूत सेना तैयार की। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को बाहरी हमलों से बचाने के लिए कई सारे किले राजनीतिक आधार से बनवाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कोंकण और गोवा के तट के बीच एक मजबूत नौसेना भी तैयार की थी। अपने बड़े पुत्र के खराब व्यवहार की वजह से शिवाजी की जिंदगी के आखिरी साल कुछ उथल पुथल से भरे हुए थे। जब वो उनके नियंत्रण से बाहर निकलने लगा, तब शिवाजी ने उन्हें पन्हाला में ही रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद उनका पुत्र अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग गया और करीब 1 साल तक वो मुगलों की शरण में रहा। इसके बाद जब वो अस्त व्यस्त हालत में वापस आया तो उसे दोबारा पन्हाला में ही रोक दिया गया। इसी दौरान शिवाजी बीमार पड़ गए और 3 अप्रैल 1680 में हनुमान जयंती के दिन 52 वर्ष की आयु में उनकी रायगढ़ किले में ही मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ये भी अफवाह उड़ी कि उनकी पत्नी ने उन्हें जहर देकर मार दिया। उनकी मौत के कुछ समय के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र शंभाजी और शिवाजी की तीसरी पत्नी सोहराबाई का अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम के अधिकार के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। शंभाजी ने बालक राजा राम को सिंहासन से हटाकर 20 जून 1680 को स्वयं को राजा घोषित कर दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मुगल और मराठों के बीच में लड़ाइयां जारी रहीं, जो आगे चलकर हिंदू मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बनी। लेकिन ये मराठा ग्लोरी कुछ समय के बाद ही दोबारा से माधवराव पेशवा द्वारा बनाई गई और उन्होंने उत्तर भारत में अपने अधिकार और राज्य की स्थापना की। अपने शासन काल में शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, जैसा कि ज्यादातर लोग उन्हें मानते हैं, बल्कि वो एक दूर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने हिंदुओं को मुगलों के एक अधिकार से मुक्त कराया और एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जो एकता, शांति, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उनके तेज और प्रभाव ने ही सभी मराठा लोगों को संगठित किया और उनके प्रशासनिक कार्य और नीतियां भी बहुत सारे ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बनाई गई थी। 17वीं शताब्दी में ही उन्होंने नौसेना के बढ़ते महत्व को जान लिया था और इसीलिए उन्होंने अपनी एक ताकतवर नौसेना बनाई, जैसा कि भारतीय इतिहास में भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने ऐसा किया था।
शिवाजी की मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी आज हम उन्हें हमेशा भारत की लोक कथाओं और लोक गीतों में महान राजा के रूप में याद करते हैं। उनका शासनकाल वास्तव में भारत का और हिंदू धर्म का स्वर्णिम युग था, जिसने आगे चलकर भारतीयों के मन में अंग्रेजों और विदेशी आक्रांताओं से स्वतंत्रता प्राप्त करने का बीज बोया और भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। सालों साल गुजरते जाएंगे, सदी दर सदी बीतती चली जाएगी, लेकिन शिवाजी को इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता और शूरता के लिए याद किया जाता रहेगा और वो हमेशा क्रांति के प्रतीक के रूप में पहचाने जाएंगे। इसके अलावा आज की भारतीय संस्कृति में भी उनके कार्यों और नीतियों का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। शिवाजी आज भी भारत के लोगों के लिए आज़ादी के योद्धा हैं। तो शिवाजी महाराज के बारे में ये हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक हमारा इंतजार कीजिए। नमस्कार।